केसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे कलवा के पास अज्ञात लोगों ने लोकल ट्रेन पर पथराव किया और फरार हो गए। इस घटना में एक यात्री घायल हो गया और उसका इलाज कलवा में स्थित शासकीय अस्पताल में हो रहा है। फिलहाल इस घटना की जांच रेलवे पुलिस कर रही है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में एक भयानक सड़क हादसा हो गया है। खबर है कि रायगढ़ में रेत से भरा डंप पर एक ऑटो रिक्शा पर पलट गया। इस भयानक सड़क हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत चार लोगों की मौत हो गई है, जिनमें तीन विद्यार्थी थे और परीक्षा देकर लौट रहे थे। विरार पश्चिम के यशवंत नगर में एक 66 साल की महिला की गटर में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला मंदिर जा रही थी और गटर का ढक्कन खुला हुआ था। महिला उस गटर में गिर गई और उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि ये सब मनपा की लापरवाही है। पुलिस ने एडीआर के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जाँच जारी है। बॉलीवुड और फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने के नाम पर अनेक युवाओं को ठगने का मामला महाराष्ट्र के उल्हासनगर में सामने आया है। ठगी का शिकार हुए अनेक युवक युवतियों की शिकायत पर उल्हासनगर की हिल लाइन पुलिस ने ठग बास ऋषभ अग्रवाल उर्फ सेन पर केस दर्ज किया है और मामले को विठलवाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया है। डापोली रिसोर्ट धोखाधड़ी मामले में उद्धव गुट के नेता और राज्य के पूर्व मंत्री अनिल परब के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुनिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कहा है। डापोली रिसोर्ट घोटाला अनिल परब के विरुद्ध में अब डापोली ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी ने डापोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दाखिल की है। FIR रजिस्टर्ड हो गया है। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 420 फ्रॉड फॉर्जरी चीटिंग के संबंध में अब अनिल परब के विरुद्ध में कार्रवाई शुरू।